कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। टीम के एक एक करके खिलाड़ी चोटिल होते जा रहे हैं। अब टीम का एक और खिलाड़ी चोटिल हो गया है। हफ्ते भर में यह तीसरा मौका है जब टीम का खिलाड़ी चोटिल हुआ है। ऐसे में टीम की टेंशन अब बढ़ती जा रही है। इससे पहले टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर भी चोट के चलते पूरे आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। श्रेयस अय्यर और लॉकी फर्ग्यूसन के चोटिल होने के बाद अब बल्लेबाज नीतीश राणा भी चोटिल हो गए हैं। इनसाइड स्पोर्ट्स की रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश राणा एक अभ्यास सत्र के दौरान ईडन गार्डन में गुरुवार को चोटिल हो गए। इससे केकेआर की मुसीबत और भी बढ़ गई है। प्रैक्टिस के दौरान एक गेंद उनके एंकल पर जाकर लग गई, जिसके तुरंत बाद वह मैदान से बाहर चले गए। चोट लगने के बाद करीब 5 मिनट तक नीतीश राणा जमीन पर लेटे रहे और इसके बाद उठकर मैदान की दूसरी तरफ चले गए। हालांकि राणा को लेकर यह साफ नहीं हुआ है कि उनकी चोट कितनी गंभीर है। इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के तेज गेंदबाज लॉकी फर्ग्यूसन हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से शुरुआती मैच में टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम के इस तेज गेंदबाज को 26 मार्च को कोलकाता पहुंचना था, लेकिन अब उन्हें आने में देरी होगी। टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर भी पीठ के चोट के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। आईपीएल 2023 में कोलकाता अपना पहला मैच 2 अप्रैल को खेलेगी। यह मैच पंजाब किंग्स के खिलाफ होगा। टीम के लिए अभी भी यह टेंशन है कि श्रेयस अय्यर की गैर मौजूदगी में टीम की कप्तानी किसे सौंपी जाए। इसके साथ ही टीम के कई बड़े खिलाड़ी चोट और अन्य कारणों के चलते टीम से लगातार बाहर होते जा रहे हैं। ऐसे में कोलकाता के लिए यह सीजन काफी ज्यादा ही चुनौतीपूर्ण रहने वाला है।